सब्सक्राइब कीजिए टेक एंड सोशल चैनल को हर रोज एक नई वीडियो देखने के लिए और दबाइए बगल में दिए हुए बेल आइकन को जिससे आप देख सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं पहुंचा हूं इंडिया गेट और आज मैं आपको ले चलता हूं इंस्टेंट फोटो मेकिंग कैसे होती है। इंस्टेंट फोटो मेकिंग आपने जितनी भी ट्रेवलर्स जगह हैं, जितनी भी घूमने फिरने वाली जगह हैं, वहां पे आपने देखे होंगे लोग कहते हैं कि इंस्टेंट फोटो वो खींच के दे देते हैं। तो ये सब कैसे करते हैं और कौन सी मशीन है प्रिंटिंग की, कौन सी मशीन है जो इस तरह का काम करती है और इस तरह और फोटो में जो कलर होता है वो छूटता है नहीं छूटता, यही सब मैं बताऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं और कैसे ये लोग वर्क करते हैं। तो दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको इंस्टेंट फोटो मेकिंग मशीन के बारे में। ये मैं इंडिया गेट गया हूँ और आप कहीं भी ट्रैवलिंग वाली अच्छी घूमने वाली जो जगह है वहाँ पे जाएंगे तो आपको इंस्टेंट फोटो मेकिंग वाले कैमरा लिए हुए काफ़ी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे अभी आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आपको फ़ोटो बनवा के दे दूँगा। और ये फ़ोटो जो होती है बहुत ही सस्ती होती है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती और जो उसका कलर होता है वो पक्का भी होता है और नहीं छूटता इतनी जल्दी। तो यही सब मैं इस मशीन के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये मशीन मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपको मैं बता दूं। तो दोस्तों ये जो है ये सीन है इंडिया गेट का। इंडिया गेट पे आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे जो फोटो इंस्टेंट फोटो आपको बना के दे देंगे। तो ये सारी कैसे होती, तो आप ये देख रहे हैं आगे पीछे, आपके पीछे भी एक मशीन है, आगे भी एक मशीन है और यहां पे अब जब मैं गया था तो मुझे यहां आसपास बहुत सारी इस तरह की मशीनें देखने को मिली। तो मैंने सोचा कि देखता हूँ कि फ़ोटो कैसे प्रिंट होता है और कैसे क्या चीज़ होता है। ये तीसरी मशीन आप सामने देख रहे हैं, उधर भी एक तीसरी मशीन। तो दोस्तों ये मशीन जो है ये है एप्सन्स का पिक्चर मेट 500। एप्सन्स कंपनी प्रिंटिंग की मशीनें बनाती है, फोटो प्रिंटिंग की मशीनें बनाती है। ये है पिक्चर मेट 500 और जो दोस्तों ये आप वाइट कलर का देख रहे हैं ये है बहुत ही पुराना मॉडल हो गया है। अभी तो ये कंपनी ने बंद कर दिया है, मतलब ये अभी नहीं आता, लेकिन ब्लैक मार्केट में ओल्ड मशीनें अभी भी बेची जाती हैं और ख़रीदी जाती हैं क्योंकि इसको ज़्यादातर इंस्टेंट फ़ोटो मेकिंग जो फोटोग्राफर होते हैं वही लोग ख़रीदते हैं, जो जैसे जितनी भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं, घूमने फिरने वाली जगह हैं, ये सारे फोटोग्राफर्स वहाँ जो रहते हैं वही ये प्रिंटर्स खरीदते हैं। अभी ये मार्केट में मिल नहीं रहा लेकिन ब्लैक मार्केट में ये मिल रहा है। जो मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने सबने बताया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको क्योंकि मैंने भी इसको इंटरनेट पे सर्च किया तो ये वाला मॉडल अब बंद हो गया है और इसी में पिक्चर मेट 500 का एक नया मॉडल आ गया है जो आपको 5 से 6 हजार रुपए के बीच में मिल जाएगा इस समय। लेकिन दोस्तों मैं इसकी जो कीमत बताऊंगा आपकी, जो ये प्रिंटर यूज हो रहा है, जो पुराना ओल्ड मॉडल है, ये प्रिंटर आपको 2 से 3 हजार रुपए में ब्लैक मार्केट में मिल जाएगा और ज़्यादातर ये यूज्ड प्रिंटर हैं और कुछ पुराने पड़े हुए हैं, कुछ यूज्ड प्रिंटर हैं जो ब्लैक मार्केट में बिकते हैं। तो ये इंस्टेंट फ़ोटो मेकिंग करते हैं, आप देखिए खुद ही। इधर से इन्होंने एक वाइट पेपर डाला और अभी आप देखेंगे कि फ़ोटो प्रिंट होके आ जाएगा। तो दोस्तों ये यूज हो जाता है, ये आपके मोबाइल, अगर आप मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसे मोबाइल फ़ोन के कैमरे से फ़ोटो खींच के इंस्टेंट कनेक्ट करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं। आप पेन ड्राइव से भी कर सकते हैं, यूएसबी केबल से भी कर सकते हैं, ब्लूटूथ से भी इसमें फ़ोटो प्रिंट करा सकते हैं। मतलब इंस्टेंट फ़ोटो मेकिंग है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपके पेन ड्राइव में फ़ोटो है तो आप पेन ड्राइव लगाइए और जो ऑप्शन है प्रिंटर्स की वो क्लिक कीजिए तो फ़ोटो अपने आप आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने ये फोटो आप देख रहे हैं कि तुरंत प्रिंट होकर निकल गई। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट तक इसे रखना है, उसके बाद आप इसे कहीं भी रख दीजिए, ये फ़ोटो चिपकेंगे नहीं आपस में और इसके जो कलर है वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी इसके कलर ख़राब नहीं होंगे, कलर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये दोस्तों देखिए, एक और इन्होंने पेपर डाला और एक फ़ोटो निकल रहा है। ये फ़ोटो मेरी ही है, मैंने खिंचवाई थी इंडिया गेट के पास अपने दोस्त के साथ। तो ये देखिए दोस्तों कितना, मतलब कलर बहुत ही प्यारा है, एकदम ओरिजिनल कलर से थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर आप स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाते हैं, फ़ोटो मिलता है आपको 1 से 2 दिन के बाद, तो उस कलर में इस कलर में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो इस कलर में बहुत डिफरेंट आता है, मतलब
लेकिन ये रहता है कि जो पिक्सल क्वालिटी है, मतलब पिक्चर क्वालिटी नहीं, पिक्सल क्वालिटी में अंतर रहता है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा देखेंगे तो ये बहुत ही अच्छी मतलब फैसिलिटी है कि आपको इंस्टेंट फोटो मिल जाता है। कहीं आप दोस्तों घूमने जाते हैं और कोई फोटो खींचे और आपको एक दो दिन बाद भेजे तो आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उससे बहुत ही दिक्कतें आती हैं। तो ये इंस्टेंट जिससे मेकिंग होता है, और ये ब्रांडेड कंपनी का है, एप्सन्स का है, बहुत सारी और कंपनियों का आते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे करीब 50 से 60 मशीनें देखी होंगी पूरे इंडिया गेट के आसपास, मतलब 50 से 60 मशीनें हैं। एक फोटोग्राफर जो फोटो खींचता है, इन लोगों का कमीशन होता है हर एक फोटो निकालने का, और मशीन वाले लोग अलग बैठे होते हैं। ये बैटरी से चलता है, बिजली से चलता नहीं है, बैटरी से चलता है। तो इनका एक कमीशन होता है, फोटोग्राफर अब फोटो खींच के सीधा इनके पास आते हैं और पर फोटो इनको पे कर देते हैं कुछ कमीशन, उसके बाद आपको ये फोटो दे देते हैं। क्योंकि हर फोटोग्राफर के पास ये मशीन नहीं होती, 2,000-2,500 रुपये से लेकर 3,000 तक की ये मशीन आती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह कि इसे आप ट्रैवलिंग में भी यूज कर सकते हैं, ट्रैवल करते करते भी फोटो निकाल सकते हैं, और आप इसे कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ एडिशनल बैटरी भी होती है, इसके अंदर भी बैटरी होती है, रिचार्जेबल होता है ये। तो इस तरह से ये सारे चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ पर मैंने 50 से 60 इस तरह के प्रिंटर देखे, सभी यही हैं, यही मॉडल है, यही ओल्ड मॉडल है। मैंने कई लोगों से पूछा भी तो कह रहे हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत आसानी से प्रिंट होता है और पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से ये आप खुद ही देख रहे हैं कि ये आपके सामने ही प्रिंट कर रहा है, और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्तों को दिखा दूं, क्योंकि मैंने भी पहली बार देखा इस तरह का प्रिंटर। क्योंकि इससे पहले मैंने मतलब फ़ोटो तो काफ़ी खिंचवाई लेकिन कभी प्रिंटर पर ध्यान नहीं दिया और कभी देखा नहीं, अब मैंने पहली बार देखा तो इसलिए मैंने इसकी सारी टेक्नोलॉजी समझी। इंस्टेंट प्रिंटिंग फ़ोटो, आपको किसी भी तरह की फ़ोटो कहीं भी, ये लोग साथ साथ कई कई बैटरी रखी है, बगल में जो बैग रखा है इसमें बैटरी रखी हुई है, कई बैटरियां चार्ज पे लगी हुई हैं। तो यहाँ 50 से 60 ये लोग थे, और मतलब फोटोग्राफर तो आप समझ सकते हैं कि एक मशीन पे कम से कम 10 फोटोग्राफर प्रिंट कराने के लिए आते हैं। तो आप समझ लीजिए फोटोग्राफर यहाँ पे कितने हैं, आपको 20 से 25 रुपये 30 रुपये में एक फ़ोटो मिल जाती है, और इंस्टेंट सिर्फ 5 मिनट में। और आप सामने देख ही रहे हैं, मैं 5 मिनट भी ज़्यादा बोल रहा हूँ, जैसे ही इन्होंने प्रिंटर में मशीन मतलब प्रिंटर में कागज़ लगाया, तुरंत ही उसके बाद 1 मिनट के अंदर ही ये प्रिंट होके आ गया बाहर। ये मेरी खुद की फ़ोटो है, तो मुझे भी इच्छा हुई तो मैंने ये देखा। तो ये दोस्तों कई कंपनियों का अभी आ रहा है, अब तो ये अपडेटेड हो गया है और लेटेस्ट वर्जन यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऐड हो गई है एप्सन्स का पिक्चर मेट 500। अगर आप नया खरीदेंगे तो देखने में भी लुक वाइज में भी ब्लैक ब्लैक और शाइनी ग्लोसी लुक में आ गया है, और बहुत ही टच स्क्रीन भी है और काफ़ी अच्छा फीचर्स कर दिया है अब जो नई इसकी मशीन आ रही है। तो आप उसे खरीद सकते हैं 5 से 6 हज़ार रुपये में, वो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी ये मिल जाएगा। तो इस तरह से ये हमने फ़ोटो प्रिंट कराया, उसके बाद मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि यहाँ आसपास कितनी भीड़ भाड़ रहती है, लोग घूमने आते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते हैं, इस तरह की ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इस तरह ये प्रिंटर की कहानी थी। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं देता हूँ टेक्निकल वीडियो डेली, एक न्यू टेक्निकल वीडियो। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको मिलती रहे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।